हरे कृष्णा एवरीवन, मेरा नाम प्रेम महाजन है। मैं एक रिटायर्ड लेक्चरर हूँ। मेरा जन्म पठानकोट के नजदीक सुंदरचक गांव में हुआ। मेरी आरंभिक जो एजुकेशन है वो गांव में हुई। मैंने मैट्रिकुलेशन तक वहाँ पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पठानकोट में की। इसके बाद अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन कर लिया और टीचिंग डिपार्टमेंट में जॉब करने लगा। और इसी दौरान मैंने कई बार सत्संग वगैरह अटेंड करने शुरू कर दिए और मैंने समझा कि यही भक्ति होती है। लेकिन एक दिन किसी मेरी बेटी जो घर पर आई तो उसने बताया कि हम गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से भगवद गीता पढ़ाते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, तो मेरे मन में भी ये आया कि मैं क्यों ना पढ़ूं। तो मैंने भगवद गीता पीसी से पढ़नी शुरू कर दी और लगातार 5 रीडिंग मैंने भगवद गीता की पीसी से की। भगवद गीता पढ़ने से मेरे जीवन में बहुत सी चीजें आई। सबसे पहले ये चीज आई कि जीवन में जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती थी उनको कम किया। पहले उनको पहचाना, फिर धीरे धीरे करके उनको कम किया, जैसे टीवी देखना, क्रिकेट मैच देखना और फिल्म देखना, लगातार देखते रहना, इनको कंट्रोल किया और धीरे धीरे करके ये कम कर दी। आज की डेट में मैं टीवी बहुत कम देखता हूँ, जो देखता भी हूँ तो वह धार्मिक कार्यक्रम ही देखता हूँ। दूसरे नंबर पर जो चेंज आई वो थी चैंटिंग की। चैंटिंग अब एक निश्चित समय पर और निश्चित निरंतर हो रही है। ये सबसे बड़ी चेंज है जो जीवन में आई है। ये इसे एक अब जीवन का एक कार्य ही समझ लिया है कि इसे करना ही है। तीसरी चीज जो मुझमें आई वो है कि भोग लगा हुआ ही खाना खाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, भोग लगा कर ही हम खाना खाते हैं। उसके बाद जो चेंज आई वो आई हम जब सैर करने को निकलते हैं कि अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते थे, उसकी जगह पर अब हम धार्मिक बातें ही करते हैं। ये मैं महसूस करता हूँ कि ये सबसे बड़ी चीज है। उसके बाद जीवन में जो नेगेटिविटी थी उसका स्थान अब पॉजिटिविटी ने ले लिया है। नेगेटिव बातें बहुत ही कम होने लगी हैं, उसकी जगह पर पॉजिटिव बातें ही करते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है, विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई है। मैंने भगवद गीता की रीडिंग भी करानी शुरू कर दी है, कॉन्फ्रेंस कॉल भी बना लेता हूँ, यूट्यूब पर कमेंट भी अब कर लेता हूँ। और दोस्तों, मेरे मन में जो विचार था पहले कि जो भक्ति है वो सुबह सुबह ही एक दो माला फेर कर ही होती है, ये गलत है। भक्ति सारा दिन हो सकती है। भक्ति में हम जब किसी को भगवद गीता पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, कमेंट करते हैं, किसी की अप्रिशिएशन करते हैं, यूट्यूब पर कमेंट करते हैं, ये सब भक्ति के ही प्रकार हैं। भक्ति केवल माला फेरना ही नहीं होती है। मुझे गोलोक एक्सप्रेस की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बैठे ही सत्संग मिल जाता है, कहीं आना जाना नहीं पड़ता, घर बैठे ही हम भगवद गीता पढ़ लेते हैं। और एक बात इसमें ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो भगवद गीता की 4-5 रीडिंग कराने के बाद उसको प्रीच करने का मौका देता है। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले भगवान श्री कृष्णा का, निखिल जी का, नितिन जी का और पीसी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जोड़ा और आज मैं पॉजिटिविटी से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे
रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी भगवान के साथ जुड़िए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, पीस इन द बॉडी फ्री एज सोल, हरे हरि बोल, हरे हरि बोल।